हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मस्त चीज करने वाले हैं। मैं अपने ड्राइंग को कंपेयर करूंगा मेरे ही ड्राइंग के साथ, जो मैंने ड्रॉ किया है 2020 में, 2020 में और 2021 में। तो देखेंगे क्या डिफरेंस आया है। वैसे तो रियल में तो 2020 और 2021 में कोई डिफरेंस नहीं आया, कोरोना जैसा था वैसा ही है, लेकिन हमारे ड्राइंग में बहुत ही डिफरेंस आया है। तो कंपेयर करेंगे 2020 को और 2021 को। तो यस, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा हर वीक एक वीडियो अपलोड करके, और अगर टाइम मिलता है तो दो भी करूंगा, लेकिन एक वीक में एक वीडियो तो आएगा ही। तो यस, तो चलिए तो अब कंपेयर करते हैं कि कितना प्रोग्रेस आया है मेरे 2020 के ड्राइंग में और 2021 के ड्राइंग में। तो ये है 2020 का ड्राइंग जो मैंने 2020 में बनाया था, आइंस्टाइन का। तो वैसे तो ये बहुत ही अच्छा बना है, लेकिन 2021 के मुकाबले ये कहाँ पे थोड़ा पिछड़ गया वो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है कि इसमें शेडिंग इतनी अच्छे से नहीं हुई जितनी 2021 में हुई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, मतलब मैंने फेस अच्छे से ड्रॉ किया, फिर फेस अच्छे से ड्रॉ हुआ और फिर फटाफट मैंने एकदम जल्दी की और ये वाला सिर ख़त्म कर दिया, तो ऐसा हुआ है। और तो मैं बताऊं तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे सिर्फ जो बड़ी बड़ी लाइंस है वो ही मैंने ड्रॉ किए, इसमें मैंने ज़रा भी टेक्सचर, मतलब टेक्सचर का नामो निशान नहीं है इस ड्राइंग में, आप देख सकते हैं। वैसे तो फेस मतलब प्रोपोर्शंस तो बहुत ही अच्छे बने, लेकिन इसमें ना ही डिटेलिंग है, ना ही टेक्स्चर है, ना ही इतनी अच्छी शेडिंग हुई है। मैं पहले क्या करता था, सीधा डार्क पेंसिल अप्लाई कर देता था, मैं कोई भी लेयर बाय लेयर ड्राइंग नहीं करता था। तो ये उसमें मतलब ये एक मेरा जो पहले मेरी गलतियाँ होती थी वो था। तो मैं धीरे धीरे सीखता गया। फिर अगर मैं 2020 का दूसरा ड्राइंग आपको बताऊँ तो वो था ये हॉर्स वाला ड्राइंग। तो आप देख सकते हैं, तो देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा लेयर बाय लेयर शेडिंग किया है, तभी ये थोड़ा अच्छा बना है। अभी आपको फ़ोटो में जस्टिस नहीं कर रहा होगा वीडियो में, लेकिन मैं वीडियो के स्टार्टिंग में सबके जो फ़ोटो अच्छे से, वीडियो में तो इतना नहीं आता लेकिन फ़ोटो में डाल दूंगा, जिससे आपको पता चले कि फ़ोटो रियल में ड्राइंग लगता कैसा है। तो अब बात करते हैं 2021 में मैंने कैसा ड्रॉ किया। तो यस, तो ये है ड्राइंग 2021 की, जो आपने, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, और तो अगर आपने नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए, मेरा आईडी ऊपर दिख रहा होगा। तो यस, तो ये फर्स्ट ड्राइंग है, मतलब एक रियलिस्टिक ड्राइंग है A4 साइज़ में, तो ये मैं दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसमें पहले 4H, फिर 2H, फिर HB, फिर 4B, ऐसे लेयर बाय लेयर शेडिंग की है। तो आप देख सकते हैं इसमें और 2020 में बहुत ही डिफरेंस है। अब मैं आपको दूसरा ड्राइंग भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है दूसरा ड्राइंग। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा सा मैंने टेक्सचर किया है, मैंने शेडिंग भी किया है और डिटेलिंग भी इतनी अच्छे से की है। ये देखिए, मैंने क्लोथ्स भी अच्छे से मैंने ऑब्जर्व करके ड्रॉ किया है। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस आया है 2020 और 2021 में, जो मैंने एक साल का एक्सपीरियंस किया उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखता गया और ये ड्रॉ हुआ है। देखिए, बैकग्राउंड भी अच्छे से ड्रॉ किया है मैंने, और मतलब फेस ही नहीं, उसके साथ आने वाले सभी पार्ट्स को मैंने अच्छे से ड्रॉ किया है। पहले मैं सिर्फ फेस ड्रॉ करता था, मैंने टेक्स्चर भी किया है, ये मैंने वीडियो में दिखाया था कि डिटेलिंग कैसे ड्रॉ करते हैं वो सब, उसमें मैंने यही फ़ोटो दिखाया था। तो और मैं अब दूसरा ड्राइंग भी दिखा देता हूँ, ये वाला है, इसमें भी मैंने अच्छे से टेक्सचर डिटेल सब कुछ किया था, देख सकते हैं आप। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों ड्राइंग को एक साथ रखता हूँ और फिर हम दोनों को एक साथ कंपेयर करते हैं। तो ये रहा पहला ड्राइंग और ये रहा दूसरा ड्राइंग।
तो देखिए अब आप इजीली देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस जो मैं बता रहा हूँ टेक्सचर के बारे में, यहाँ पे डिटेलिंग के बारे में, तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस आया है मेरे ड्राइंग में। तो बस यही दिखाना था कि मेरी प्रोग्रेस कैसी हुई, मेरा मैंने ऑब्जर्व कर मतलब कितना ऑब्जर्व करना ज़्यादा सीखा है मैंने वही सब। तो यस, वीडियो को एंड करता हूँ और मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।